अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वेअर हाउस रिटेलर जिसे हम वेयरहाउस स्टोर भी कहते हैं इस तरह के रिटेलर नॉर्मली फ़ूड और ग्रॉसरी बेस्ड रिटेलर होते हैं इसीलिए इस तरह के रिटेलर्स को हम जब भी बात करेंगे जब भी हमारे पास कोई एग्जाम्पल डिस्कस हो रही होगी तो ये फूड और ग्रॉसरी बेस्ड आइटम्स के ऊपर ही हो रही होगी नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स का एक ही टारगेट है दे हैव द डिस्काउंटेड प्राइसेस विद देम टू टारगेट द कस्टमर्स और क्योंकि ये फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इसलिए मेजरली ये कस्टमर्स को ड्राइव करते हैं थ्रू देयर डिस्काउंटेड प्राइसेस और नॉर्मली एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ़ द कंपटीशन प्राइसेस इनकी प्राइसेस इस फॉर्मेट के अंदर बहुत बेहतर होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं अगर आपने कस्टमर के अट्रैक्शन के हवाले से देखना है वेरहाउस स्टोर अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो एक वेयरहाउस के लुक के स्टोर होते हैं ये वो स्टोर्स हैं जो कि नॉर्मली हाई रैक्स के साथ ऑपरेट होते हैं जहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो पैलेटाइज आइटम की सूरत में पड़ी होंगी इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली कस्टमर को इनक्रेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को बाय करें ऑल दो ये रिटेल कर रहे होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिट्टी को बाय कर सके नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स लॉजिकली कस्टमर को एक ऐसा तरीक़ेकार फॉरवर्ड करते हैं एज यू एंटर इन टू द स्टोर फ्रॉम द एंट्रेंस टिल दी चेकआउट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तमाम तरह के कस्टमर्स को गाइड करते हैं मीन्स द ले आउट ऑफ द स्टोर नॉर्मली इनकेजिस कि कस्टमर ने किस तरीके से फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर किस तरीके से उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना है कस्टमर्स ने तमाम चीज़ों में से अपने अपनी पसंद की चीज़ों को पिक करना है और वो उसको डायरेक्ट करेगी टूवर्ड्स दी चेकआउट ऑफ द स्टोर विच मीन्स एज द कस्टमर विल एंटर इन टू द स्टोर ही विल फाइंड सम अट्रेक्टिव ऑफर्स नियर बाय वहाँ से देन ही विल डायरेक्ट हिम टू एंड देन टू अन डिपार्टमेंट्स सो इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली कैटेगराइज होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सूरत में भी और फिर कस्टमर को वो लीड करते हैं वन बाय वन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनादर डिपार्टमेंट और कस्टमर अपनी चीज़ों को ऑप्शन को पसंद करने के बाद चेकआउट के ऊपर इन्वाइसिंग के लिए प्रोसीड करता है इस तरह के स्टोरस नॉर्मली आपको कैश एंड कैरी मॉडल्स के ऊपर नजर आएंगे इस तरह के स्टोर्स को इसलिए अक्सर औकात कैश एंड कैरी स्टोर्स भी कहा जाता है अब कैश एंड कैरी मॉडल क्या है कैश एंड कैरी मॉडल जस्ट टू गिव मोर क्लैरिटी ऑन दिस मॉडल कि नॉर्मली कस्टमर खुद प्रोडक्ट को पिक करता है स्टोर में आके सो ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर इन एनी केस एनी सपोर्ट एनी सर्विस वो खुद आएगा प्रोडक्ट को पिक करेगा प्रोडक्ट को पे करेगा एंड देन ही विल टेक द प्रोडक्ट हिमसेल्फ तो इसीलिए इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली कैश एंड कैरी स्टोर्स भी कहलाते हैं हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेशनली अगर परस्पेक्टिव में आपके सामने रखता हूँ तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल कप फूड की है इसी तरीके से हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स के अंदर फूड फॉर लेस है बेसिक फूड्स हैं अच्छा इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स के अंदर अगर आप नोटिस करें तो तीनों ब्रांड्स के हवाले से कंपनीज के हवाले से रिटेलर्स के हवाले से फ़ूड इज़ दी कॉमन आइटम तो नॉर्मली वेयरहाउस मॉडल के अंदर द की इज कि यहाँ पर कस्टमर जो है वो फूड प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए आ रहा है इसी तरीके से जो सेलर है वो फूड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है नॉर्मली क्योंकि मैंने जिस तरह स्टार्ट के अंदर बताया कि ये डिस्काउंट प्राइसेस के ऊपर मॉडल है इसलिए फोकस सारे का सारा फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से मेरे पास दो इंटरनेशनल एग्जाम्पल और हैं जिस तरह सुपर फूड बंट की एग्जाम्पल है हमारे पास हमारे पास फूड सोर्स की एग्जाम्पल हमारे पास है अगेन दो इंटरनेशनली स्टोर्स रेनाउंड स्टोर्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और अगर आप इनके स्ट्रक्चर को एक मिनट के लिए मैं अगर आपके सामने शेयर करूँ अपनी नज़रों के सामने अगर आप इसको गुजारना चाहें तो एज यू विल एंटर इन द स्टोर आपको फ़ौर नज़र आएगा बेकरी डिपार्टमेंट इसी तरीके से मीट डिपार्टमेंट एंड देन फिश डिपार्टमेंट वो आपको डायरेक्ट करेगा आगे टुवर्ड्स द मेन ग्रोसरी साइट वो आपको ग्रॉसरी के ऊपर लेकर जाएगा दें टॉयलेटरीज़ के ऊपर लेकर जाएगा स्वीट्स एंड कन्फ्रैक्शन के ऊपर लेकर जाएगा बेवरेज़ के ऊपर लेकर जाएगा सो वन बाय वन वो तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो हेल्प करते हैं कस्टमर को समझने के लिए और ये ऑलमोस्ट यही ऑर्डर नजर आएगा आपको जब हम इसमें से किसी भी तरह के स्टोर की बात करेंगे वो बेशक फूड बेसिक्स की बात करें वो बेशक कप फूड की बात करें तो ये तमाम स्टोर्स आपको इस हमारे पास इस एग्जांपल के ऊपर क्वालिफ़ाई करते हैं जब हम वेयर हाउस स्टोर के हवाले से बात करते हैं यानी कि जब इस मॉडल की बात करेंगे तो आपके जहन में फ़ौर फूड से रिलेटेड ये वाले स्टोर्स फ़ॉर आने चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक बात लास्ट में बताना ज़रूरी है कि नॉर्मली जो वेयर हाउस स्टोर्स हैं ये ऑर्गेनाइज तौर पर पाए जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड देयर आर वेरी लेस एग्जांपल्स इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो के पाई जाती हैं नॉर्मली जब कस्टमर का फ्लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ज़्यादा होता है तो इस तरह के स्टोर्स की एफिकेसी नज़र आती है हमें और नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स लोकेशन वाइज आइदर दे आर एग्जिस्टिंग एट द स्टार्ट ऑफ द सिटी एट द एंट्रेंस ऑफ द सिटी और नॉर्मली एट द एग्जिट ऑफ द सिटी तो आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने में इस कॉन्सेप्ट को जो कि वेयर हाउस रिटेलर के हवाले से एग्जिस्ट करता है